सर, कल सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने पहले वाले आदेश पर ही कायम है। सर, क्या कहना चाहेंगे बीएड वाले कैंडिडेट को आप? देखिए, जैसा मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, देखिए मैं बिल्कुल मौका दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो लोग दोनों किए हुए हैं, बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं, और प्राइमरी में वो अपना अप्लाई भी किए हैं, तो उनको हम मौका देंगे अपने डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने का। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कह दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल के लिए डीएलएड ही मान्य रहेंगे, तो सर क्या एक तरह से समझा जाए बीएड के लिए मुश्किल जो है रास्ता बंद होते हुए नजर आ रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश चार ऑप्शन और पांच ऑप्शन से चार ऑप्शन करना, और उसके बाद फिर से ये जिज्ञासा होना कि चौथे ऑप्शन में तो कहीं नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव या मोर देन वन ऑफ दी अबव, इस तरह की बातें हों, तो मैं इसमें अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के और ये चार ऑप्शन हमें लागू किया, अब इस चौथा ऑप्शन इसमें क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। मैं इसके बाद से मैं जानता भी नहीं हूँ और मैं इनकार भी नहीं करता कि अगर उसने अपने आरक्षण कोटी को मान लें कि वो सर्टिफिकेट लगाया है बीसी का और गलती से उसने एससी अपना एंट्री कर दिया है, तो इस एंट्री को सुधार करने का हम मौका देंगे, लेकिन हम डॉक्यूमेंट अटैच करने का मौका नहीं देंगे, नया डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेश पुरी। बिहार में 1,70,461 शिक्षक भर्ती का परीक्षा प्रक्रिया समाप्त हो गया है और अब आगे रिजल्ट देने की प्रक्रिया और उससे पहले की कुछ प्रक्रिया जो है वो पूरी हो रही है। हमारे साथ हैं बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, अतुल सर हैं। सर, सबसे पहले तो सर परीक्षा सर आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कराया और कोई भी इसमें सर विवाद नहीं हुआ, इसको लेकर सर आप पहले क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले इसको लेकर आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, इसमें सबका योगदान है और सबसे बड़ा योगदान तो अभ्यर्थियों का है कि उन्होंने काफ़ी कष्ट सह करके भी इस परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से किया, सबका धन्यवाद है। सर, आगे का प्रोसेस क्या है? सर, जैसे कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड प्राइमरी स्कूल में डाल दिया था जबकि डीएलएड भी किए हुए हैं, क्या सर उनको आप मौका देंगे? सर देखिए, मैं बिल्कुल मौका दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जो लोग दोनों किए हुए हैं, बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए हैं, और प्राइमरी में वो अपना अप्लाई भी किए हैं, तो उनको हम मौका देंगे अपने डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने का, और इसके साथ साथ हम सभी अभ्यर्थियों के लिए हम ये सुविधा देने जा रहे हैं कि वो अपने जो प्रविष्टियाँ उन्होंने जो भी एंट्रीज किया है, जैसे मैं एक उदाहरण दे दूँ कि अगर उसने अपने आरक्षण कोटी को मान लें कि वो सर्टिफिकेट लगाया है बीसी का और गलती से उसने एससी अपना एंट्री कर दिया है, तो इस एंट्री को सुधार करने का हम मौका देंगे, लेकिन हम डॉक्यूमेंट अटैच करने का मौका नहीं देंगे, नया डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपने जो पुराने जो डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अपने आवेदन के समय लगाया था उसके हिसाब से अगर उन्होंने कोई गलत प्रविष्टि कर दिया है, कुछ गलत लिखा गया है डेट ऑफ बर्थ में, जैसे कुछ गलत लिखा गया है, तो इस तरह की प्रविष्टियों में सुधार करने का हम उनको बहुत जल्दी मौका देंगे, शायद हम लोग 1 तारीख से ही ये मौका दे दें उनको, 1 से लेकर के 3 दिन का, और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है, और इसमें सिर्फ अटैचमेंट का मौका हम सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को देंगे और वो भी सिर्फ क्वालिफिकेशन से संबंधित, जैसे हम लोगों ने कहा था कि बीएड अपीयरिंग वाले अगर हैं तो वो उनको हम लोग अलाउ करेंगे, या सीटेट और एस्टेट वाले अगर हैं अपीयरिंग कैंडिडेट तो उनको हम अलाउ करेंगे, तो उनका अगर आ गया हो अगर सर्टिफिकेट तो वो उसको अटैच कर सकते हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है तो स्वाभाविक है कि वो अपना एडमिट कार्ड ही खाली लगा के रखे रहे होंगे, वो ठीक है, हम उनको मौका देंगे इस सर्टिफिकेट अटैच करने का, बाकी किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करने का मौका हम नहीं देंगे। सर, एक और चीज़ है सर, जो आपने पीसी में एक शुरुआत में कहा था सर बीएड वालों को लेकर सर प्राइमरी स्कूल में सर, और आपने कहा था कि सर बाद में एग्जाम के बाद जो है उसको लेकर उसका एक बनाया जाएगा कुछ नियम और पहले डीएलएड वालों को एग्जाम दिया जाए, लेकिन सर कल सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट अपने पहले वाले आदेश पर ही कायम है, सर क्या कहना चाहेंगे बीएड वाले कैंडिडेट को आप? देखिए, जैसा मैंने अपने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि हम बीएड वालों को परीक्षा में भाग लेने का उनका अधिकार है, इसलिए हम उसका मौका बिल्कुल देंगे, और साथ साथ हमने ये भी कहा था कि परीक्षा फल हम नहीं पर अधिकार नहीं है उनका, इसलिए हम उसको रोक के रखेंगे जब तक कि संशय दूर नहीं हो जाता है। और आपने नोट किया होगा कि कई माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा भी यही स्टैंड लिया गया है, जैसे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में और भी राज्यों में
माननीय उच्च न्यायालय में जो भी विवाद इस तरह से गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद, तो उन लोगों ने भी जो परीक्षा जो जिस स्टेज पर था उस स्टेज में अगर परीक्षा फल नहीं निकला हुआ है तो बीएड वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा फल को रोक दिया था। यही स्टैंड हम लोगों ने भी ले रखा है, और जैसा कल हमें भी जो सूचना मिली है और अगर उसका हमारे पास हमने आदेश की प्रतीक्षा है, संशय जैसा दूर हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि हम उसके हिसाब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हम उसी हिसाब से अपना रिजल्ट निकालेंगे। और जैसा कि कल की जो बातें हैं उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। तो सर कहने का मतलब कि कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कह दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल के लिए डीएलएड ही मान्य रहेंगे, तो सर क्या एक तरह से समझा जाए बीएड के लिए मुश्किल जो है रास्ता बंद होते हुए नजर आ रहा है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, उसको सबको मानना है, तो उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी तो कर नहीं सकता हूँ, न ही कोई अतिरिक्त संभावनाओं के बारे में कुछ कर सकता हूँ, इसलिए वो सबको मानना है और हम भी मानेंगे। सर और सर 69वीं सर कंबाइंड परीक्षा आप ले रहे हैं सर, सबसे पहले तो सर कुछ सीट बढ़ा है, 33 सीट बढ़ा है सर, एक छात्र सर हमको फोन कर रहे हैं कि क्या आगे भी संभावना है सीट बढ़ने का, और सर इसी में दूसरा प्रश्न है कि आपने सर पांचवा ऑप्शन हटा दिया, 4 ऑप्शन है, अब छात्रों को ये लग रहा है कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर एक प्रश्नों में चौथे ऑप्शन में जो पहले का पांचवा था उपर्युक्त में से सभी या कोई नहीं उसको तो नहीं डालने वाले हैं सर? देखिए और कितने पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब और कोई पद बढ़ना चाहिए, और जहाँ तक 4 ऑप्शन और 5 ऑप्शन से 4 ऑप्शन करना और उसके बाद फिर से ये जिज्ञासा होना कि चौथे ऑप्शन में तो कहीं नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव या मोर देन वन ऑफ दी अबव इस तरह की बातें हों, तो मैं इसमें अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी पढ़ाई पर और पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये सब चीज़ पूछना का मतलब ही है कि वो तुक्का लगाने की प्रविष्टि को एक्चुअली वो प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं या उसकी तरफ सोच रहे हैं वो। मैं ये कहूँगा कि जैसे यूपीएससी भी और दूसरे राज्यों में भी जहाँ भी 4 ऑप्शन रहते हैं, क्या वहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव के इस तरह के चौथा ऑप्शन नहीं रहता है क्या? बिल्कुल रहता है, इसलिए ये 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शंस का जो विवाद था वो एक्चुअली वो बेबुनियाद था, लेकिन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और एकरूपता बरतते हुए भी हम लोगों ने सोचा कि ये जो गलत मैसेजिंग जो हो रहा था कि ये आयोग जो बीपीएससी जो है वो जानबूझ करके अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरह से रख रहे हैं, तो इस गलत मैसेजिंग को दूर करने के लिए मैंने कहा कि मैं ठीक है मैं 4 ऑप्शंस, और ये बात हमने शायद फरवरी मार्च महीने में ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि हम लोग इस पर विचार करेंगे, तो हम लोगों ने विचार किया और ये 4 ऑप्शंस हमें लागू किया। अब इस चौथा ऑप्शन इसमें क्या होगा कुछ भी हो सकता है, मैं इसके बाद से मैं जानता भी नहीं हूँ और मैं इनकार भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अभ्यर्थियों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अतुल सर थे और इन्होंने साफ कहा बताया कि टीचर भर्ती प्रक्रिया में आगे की क्या प्रक्रिया बाकी है और क्या क्या करना है, आप आयोग की वेबसाइट को देखते रहें तो वही आपको बता दें कि 69वीं में अब सीट बढ़ने की संभावनाएं अब 9 के बराबर है, इसके साथ साथ चौथे ऑप्शन पर आप 5वें ऑप्शन को लेकर आप प्रश्न कर रहे थे तो 5 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन हटा दिया गया है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करने की जरूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, धन्यवाद।